हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मूंग की उड़द की धुली हुई दाल जो सूखी बनाई जाती है उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो हमने ये जो दाल है ये दाल हमने रात को भिगो दी थी और ये सुबह बहुत ज़्यादा खुले पानी में इसको धोया है और ये देखो इतना ये हाथ लगाने से ये गलती है, तो इसका मतलब है कि दाल हमारी ठीक से रात को भीग गई है। तो इसका सारा पानी निकाल लिया है और इसको चार पांच पानी में साफ पानी में मैंने इसको धोया है। तो अब ये हमारी दाल बनाने के लिए तैयार है और इसमें डालने के लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे किए हैं वो पहले तो एक बहुत बड़ा अनियन प्याज इसको लंबा काटना है और आधा नींबू लिया है इसके रेसिपी के लिए और इसमें डालने के लिए ये जिंजर और ये जीरा और ये धनिया सूखा धनिया बारीक पिसा हुआ, साल्ट, रेड चिल्ली, ब्लैक पेपर और कसूरी मेथी, टर्मरिक, हल्दी और ये चिली फ्लेक्स। और इसमें डालने के लिए मैंने ये अदरक लिया है और हींग थोड़ी सी ली है, ये हींग ली है थोड़ी सी, और ये एक मोटी इलायची, तेज पत्ता और दो लौंग इनको भी मैं यूज़ करूँगी। अब मैं बताती हूँ कि हम कैसे अरेंज करेंगे और कैसे तड़का देंगे। सबसे पहले मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है, 2 चम्मच के करीब ऑयल डाला है और उसके बाद हम ये जीरा डालेंगे। और ये जो अदरक के जूलियंट्स काटे हैं ना मैंने ये वाले इसको भी अब ऑयल में डालेंगे। और ये जो प्याज हमने लंबा काटा है ये अगर छोटे प्याज हैं तो 2 ले सकते हो, अगर बहुत बड़ा प्याज है तो 1 ही सफिशिएंट है। आप इस प्याज को काटने के बाद इस तरह से करना ताकि सारे प्याज के पीसीज अलग अलग हो जाएंगे तो वो दाल सब्जी में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसको मैं इसमें डाल रही ये ग्रीन चिल्ली जो मैंने काटी थी छोटी छोटी वो भी अब इसमें डाल देंगे। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है इसको भी मैं इसमें डाल रही हूँ।
ये तेज पत्ता और दो लौंग और एक मोटी इलायची, इसको भी इसी प्याज में डाल देती हूँ भूनने के लिए। और अब ये हींग डाल रहे हैं। हींग डालनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो उड़द की वाइट दाल होती है वो वाइट करती है, तो हम इसीलिए ज़रूर डालते हैं कि ताकि एक तो हमें नुकसान ना हो और एक टेस्टी बने। इसका अपना एक टेस्ट होता है जो कि अच्छा होता है। अब मैं ये सारे मसाले जो आपको दिखाए थे, धनिया, सूखा धनिया, नमक, मिर्च, काली मिर्च, कसूरी मेथी और हल्दी और चिल्ली फ्लेक्स हम बाद में डालेंगे जब हमारी सब्जी बन जाएगी। इन सबको हम मिक्स करते हैं। और इसमें डालने के लिए मैंने ये प्यूरी बनाई हुई है टमाटरों की और फ्रिज में रखी हुई थी, इसको भी मैं इसमें ही डाल रही हूँ। ये हमारा मसाला भून गया, ये देखो ऑयल रिलीज हो गया है। ये जो हमारा मसाला था उसमें ऑयल रिलीज हो गया, ऑयल निकल आया। तो अब हम ये अपनी दाल, ये जो दाल हमने भिगोई थी रात को भिगो के सुबह इसको साफ पानी से बहुत दफ़ा वॉश किया है, तो फिर ये तैयार है। अब इसको हम करेंगे, ये दाल बहुत जल्दी बन जाती है पर इसमें हमें थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा। ये छोटी कटोरी हम इसमें पानी भी डाल रहे हैं। अब इसको मिक्स कर लेंगे और इसको धीमी आंच पे पकने देंगे ताकि हमारी दाल गल जाए। इसको कवर करके थोड़ी देर पकने देते हैं धीमी आंच पे। ये मैंने गैस बहुत धीमी कर दी है, तो जब थोड़ा होती है गलती है तो मैं आपको बताती हूँ। हम बहुत ज़्यादा बार इसको नहीं हिलाएंगे क्योंकि हिलाने से फिर दाल टूट जाती है, और जो चीज़ खाने में अच्छी हो उसको देखने में भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो दोनों तरफ सोचना चाहिए कि खाने का स्वाद तो बाद में आता है, पहले आंखों से देखा जाता है। तो आज इसी तरह की रेसिपी है जो कि आपको पसंद भी आएगी और आप बना के भी ज़रूर देखेंगे। मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा डाला है, 2-3 चम्मच। अभी ये धीमी आंच पे पक रही है, आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए ऑयल हमारा रिलीज है, बाहर निकला हुआ है दाल में से, और दाल
बन रही है अभी, और धनिया की ज़रूरत है, जल्दी गल जाती है, ऐसी बात नहीं, बहुत देर, बहुत टाइम नहीं लगता। अब इसमें मैं थोड़ा सा नींबू जो आधा काटा था वो डाल, इस दाल को इसलिए ओपन बर्तन में पकाया जाता है क्योंकि हमें पता चलता रहे कि ये कैसे बन रही है या कितनी बनी है, क्योंकि अगर हम कुकर में बनाएंगे तो कुकर बंद करने से ये दाल बहुत ज़्यादा गल जाएगी, जो कि सूखी दाल हमें खिली खिली चाहिए। तो ये प्रोसीजर सबसे अच्छा है कि आप खुले में अपनी, और एक और भी तरीका है, अगर आपको है कि तड़के से पहले दाल गली हो तो आप खुले पानी में दाल को उबाल भी रख सकते हो और देखते देखते, ताकि वो दाल एक दो पॉइंट गलनी रहती हो तब आप उसको छान सकते हो। बाकी मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि जो इसका असर होता है चीज़ का वो इसी में रहता है, इसलिए मैंने अलग से नहीं किया। तो अब मैं ये चिली फ्लेक्स भी डाल दूँ, अब हमारी देखो दाल गल गई है। ये हमारी दाल बन के तैयार है और इसको खाने के लिए हमें फिक्की परौंठी के साथ या लच्छा परौंठा के साथ ये दाल बहुत स्वाद लगती है, और अगर चपाती हो आप उससे भी खा सकते हो और नान से भी खा सकते हो, और ये किसी चीज़ के साथ खाने के अलावा ये अकेली भी खाई जाए तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये हमारी दाल की रेसिपी बनके, ये माँ की धुली हुई दाल है, इस दाल की रेसिपी बनके तैयार हो गई है और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। ये देखने में भी सुंदर है और खाने में उससे भी ज़्यादा सुंदर है, स्वादिष्ट है। तो आप एक बार तो ज़रूर बना के देखना बनता है। आप ये रेसिपी आप मेरी तरह आप भी ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स करके बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और मैं आगे भी ऐसे ही जो भी मुझे ज्ञात है मैं आपके साथ बांटूंगी और रेसिपी शेयर किया करूंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। अगर आपने मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, और अगर पसंद आए तो लाइक भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।